अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब सबको तो पता ही है कि इंजीनियर साहब ने एन बाबू की मंजी थोप दी है, इसीलिए आज मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। ओरिजिनल लतीफा, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करना है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई, आप लोगों ने घड़ी पहनी हुई है? नहीं। क्या टाइम हुआ है? टाइम क्या मत तक 11:00 चले। चलो 11 के बाद क्या बजेंगे? 12 के बाद। ये जो बच्चा छोटा सा बैठा है मेरे सामने, गिनती आती है बेटा? नहीं। 11, 12, 13 स्टार्ट करो। बच्चा है वो जी, और घड़ी में 11, 12 और फिर, ये क्या मतलब है? टोरोगे। पहले चाबी वाली होती थी, अब क्वार्ट्ज घड़ियां आती हैं। आपके पास हाथ में घड़ी है, उसमें 11, 12, फिर 1। मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा वाह वाह, ये तो घड़ी भी सुननी है। क्या ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 11 से इशारा 11वीं वाले गौस पाक की तरफ, 12 से इशारा 12 रबीउल अव्वल वाले नबी की तरफ। दीन के अंदर खुद से इन्होंने इंजेक्ट की है, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं। 1 से इशारा अल्लाह की तरफ, तुम 11वीं वाले से मिलो वो 12वीं वाले से मिलाएगा, 12वीं वाला तुम्हें खुदा से मिलाएगा। हर एक आता है अपनी एक बीच में लुचता लेके चला जाता है, वो कहता है मेरा भी फ्राई कर लो बीच। पेशे खिदमत है एक और कहानी। हमारी घड़ी भी प्यारी है, घड़ी भी सुननी है कि पहले बजाती है 11। हाथ उठा के वाह बोलो, सुभान अल्लाह। पहले बजाती है 11, 11 के बाद 12 और फिर 1। अब आप देखें घड़ी पे नजर करें, घड़ी में सबसे ऊपर आपकी पूरी तवज्जो, यहाँ घड़ी में सबसे ऊपर कौन सा इंसान है? घड़ी देखिए। नहीं। अब उसका टेस्ट है आप सब, ठीक है? घड़ी में सबसे ऊपर कौन सा इंसान? 12। सब बोले 12। जो बोले 12, अल्लाह पाक 12वीं के सदके में उसको हाजी बना दे। मीठा मीठा मदीना है। क्या बात है यार, घड़ी में सबसे ऊपर कौन सा इंसान है? 12। अब नीचे आइए, उल्टे हाथ पे कौन सा इंसान है? 11। अब आपने जोड़ी बनानी है सामने वाले हिस्से से, ठीक है? 11 के सामने इसी तरह जोड़ियां बनती चलाएंगी। हाय हाय। 11 के सामने कौन सा इंसान है? 1। 11 और 1 12। फिर नीचे आइए, 11 से नीचे क्या है? 10। 10 के सामने 2। 10 और 2 12। और नीचे आइए, 10 से नीचे क्या है? 9। 9 के सामने 9 और 3 और नीचे आइए, 9 से नीचे क्या है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई 8। 8 के सामने कहाँ फंस गया भाई? 8 और 4 ये क्या हो रहा है? 12। फिर और नीचे आइए, 8 से नीचे क्या है? 7। 7 के सामने 5। 7 और 5 फिर और नीचे आइए, आखिर में क्या है? 6। 6 को डबल कर ले। ये भगवान क्या जुलूम है? 12वीं हमारी तो रूह में सारी है, 12वीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अकल ना होवे ते मौजे ही मौजा। और अभी तो रुको, कहानी अभी बाकी है। अच्छा, रब दुल जलाल ने सूरह मोहम्मद को 26वें पारे के अंदर रखा। कौन से पारे में रखा? 26वें पारे में। अदद के एतबार से देखा जाए तो सूरह मोहम्मद बनती है 47वीं सूरत। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, कौन सी सूरत बनती है पीछे वालों? कौन सी सूरत बनती है? 47वीं सूरत। अब 26वें पारे में 47वें नंबर सूरत को रखा। 26 के दो हिस्सों को अलग करके अगर जरब दें तो क्या बनता है? 2 + 6 करें क्या बनता है? मैं नहीं बताऊंगा। जरा ऊंचा बोले, 2 + 6 करें क्या बनता है? स्टार्ट करो। जरा ऊंचा बोले, पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रहा। 2 + 6 करें क्या बनता है? 47वीं नंबर सूरत। इनके हिंसों को अलग करें, 4 को जमा करें, 7 में क्या बनता है? क्या बनता है? जरा ऊंचा बोले, पीछे वालों को नहीं सुनाई दे रहा। खुदा का वास्ता सारी जान छाड़ दो, कुछ जी चार दिन जिंदगी बची है नैन, असं थानू बदवावा दे के थोड़ी जान कट छड़ी। क्या बनता है? क्या बनता है? तो रब्बे जुल जलाल ने बताया 11वीं की निस्बत मिल जाए तो 12वीं भी मिल जाती है। हाय 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 हाय। 11वीं की निस्बत मिल जाए तो 12वीं भी मिल जाती है। 12वीं की निस्बत मिले तो रब्बे जुल
जलाल फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़लमु अन्फुसहुम जाउ तफस्तगफरु अल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल ला वाजातुल्लाह। ग्यारहवीं की निस्बत बारहवीं तक ले जाती है, बारहवीं की निस्बत रब्बे जुल जलाल तक पहुंचाती है। ना उस जमाने के कीते होते ही नहीं सन। ये वही है जी, 10 जमा 1 11, 15 मनफी 4 11, 1 और 1 11, 11वीं साबित हो गई। तो दोस्तों आज का ओरिजिनल लतीफा कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना।